नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अमित शाह जी को कुछ जेपी के बारे में पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, असली अनुयायी वही। मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार और की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो अनुयायी जेपी का नहीं हो सकता है। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है, जेपी कहाँ से, जेपी जिस बुनियाद को डालने का काम किया वो बुनियाद ही समाप्त हो गया। जेपी की आत्मा को रुलाया और कहते कि जेपी के अनुयायी हम हैं, ये तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सम्राट एक मुख्यमंत्री और दूसरे उस गोद में बैठ करके और भ्रष्टाचार और वंशवाद के को बढ़ावा देने वाला, ये उससे भी ज़्यादा दोषी है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री तो जो भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है ये आप तय करो। बिहार में दो सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। तो दोनों सीट पर आप लोग कंपेनिंग करेंगे? निश्चित रूप से दोनों सीट पर विजय हासिल करेंगे। आखिर नीतीश कुमार इतना अटैक क्यों कर रहे हैं अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, पीएम के बारे में बोल रहे हैं? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है, उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। अब तो विपक्ष एकता बनाने को उनका पीएम पद के उम्मीदवार होने वाला है। अरे भाई कहाँ से आप चले आए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं, पहले भी 2013 में सपनाते थे, अब वो सपना उनका सपना, अब वो सोलो सिंगार करके बैठेंगे, उनके पास कोई आने वाला नहीं है। अमित शाह तो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और जेपी के बारे में वो क्या, उनको पता नहीं है कि अमित शाह क्या लोहा है, उनको मालूम नहीं है जेपी को आने वाला जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति, वो जो कभी जेपी का नाम नहीं सुना होगा, आने वाली पीढ़ी वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नष्ट नाबूद कर देगा, इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे।